नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। जनहित में आज हम बात करेंगे कि आखिर चौकीदार त्रस्त क्यों है। गांव की चौकीदारी करने वाले थानों में बेगारी कर रहे हैं और पुलिस चौकियों में झाड़ू लगा रहे हैं। होमगार्ड से लेकर थानेदार तक के फरमान बजा रहे हैं। आपराधिक सूचनाओं की रीढ़ ये चौकीदार सूचना की मुख्य धारा में लाने के सरकार के प्रयास के उलट पुलिस के उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं और इनको ना तो मानदेय समय से मिल पा रहा है और ना ही थानों में तवज्जो। रत्ती भर जरूरत की पूर्ति के लिए ये छटपटाहट देखने को मिल रही है चौकीदारों में, लेकिन कोई भी इनके जख्मों पर मरहम लगाने वाला नहीं है। ऐसा ही एक मामला सामने आ रहा है अलीगढ़ से। अलीगढ़ की खैर तहसील परिसर में एक वृद्ध चौकीदार धरने पर बैठा है। वृद्ध का कहना है कि अगर उसे 32 सालों से वेतन नहीं मिला है और वो लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है। ऐसे ही ना जाने कितने ग्राम चौकीदार हैं जो सालों से थानों में झाड़ू लगा रहे हैं और शोषण का शिकार हो रहे हैं। क्या स्थिति है गांव में चौकीदारी करने वाले चौकीदारों की, देखिए यह स्पेशल रिपोर्ट। तो यह स्थिति चौकीदारों की बेहद, ये कहा जाए, सिस्टम पर सवाल उठाने वाली है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि जो चौकीदार हैं, एक अहम जिम्मेदारी होती है जो सुरक्षा की पहली कड़ी से जोड़कर चौकीदारों को देखा जाता है और जिम्मेदारी के साथ काम करते हुए भी नज़र आते हैं। क्योंकि कई बार ऐसी भी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर एएसपी ने सम्मानित भी किया चौकीदारों को और उनके काम को सराहा भी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि आखिर चौकीदारों को उनका मेहनताना क्यों नहीं दिया जाता। इसी बात को लेकर हम जनहित में चर्चा करेंगे और दर्शकों की राय भी इस मसले को लेकर बेहद अहम हो जाती है। इस पर अपनी राय साझा कर सकते हैं। एक ये वृद्ध चौकीदार है जिसने सेवा की ईमानदारी से, जिम्मेदारी से अपना काम किया और 32 सालों से इसे वेतन नहीं मिला। इसका जिम्मेदार किसे माना जाए, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी, आखिर क्यों नहीं मिला, ये ऐसे अहम बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा भी करेंगे। जिम्मेदारी के साथ अपने काम का निर्वाहन जो चौकीदार हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी भी मानी जाती है और नवाजा भी जाता है। कई बड़ी बड़ी बातें भी कही जाती हैं, वेतन को लेकर भी बातें निकलकर सामने आती हैं कि बढ़ाए जाने का जिक्र, लेकिन बढ़ाए जाने का जिक्र तो बाद में होना चाहिए, लेकिन जो वेतन दिया जा रहा है उसे ही समय रहते दे दिया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये वृद्ध न्याय की गुहार लगा रहा है और फिलहाल इसे न्याय मिलता नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए जनहित में इस मसले को उठाया गया है, के न्यूज़ ने इस मसले को उठाया है और इसमें दर्शकों की राय भी बेहद अहम हो जाती है। तो आपको बता दें ये अलीगढ़ का मामला है, महज अलीगढ़ की हम बात नहीं कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चौकीदार अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, उसी तरह से उनके मेहनत को समझकर समय पर उनका वेतन क्यों नहीं दिया जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। मामला अलीगढ़ का, जो जिम्मेदार हैं वो उत्पीड़न आखिर क्यों करते नजर आ रहे हैं, आपराधिक सूचनाओं की रीढ़ माना जाता है क्योंकि कोई भी क्राइम होता है, कोई भी ऐसी अनैतिक जो गतिविधि होती है, उस हर एक बात की जिम्मेदारी लेते हुए उस बात को थाने तक पहुंचाना, प्रशासनिक अमले को इस बात से अवगत कराना, ये एक चौकीदार की जिम्मेदारी होती है। और फिर आखिर ये लापरवाही भरी तस्वीरें निकलकर क्यों सामने आती है, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ अरविंद के जैन हैं जो पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही हमारे अलीगढ़ से संवाददाता जुड़े हुए हैं विश्व प्रताप सिंह। उनसे पहले अलीगढ़ में जो ये वृद्ध है आपके पास आएंगे विश्व प्रताप, पूरी घटना जानना चाहेंगे। जो वृद्ध है वो 32 सालों से अपने वेतन के लिए मांग कर रहा है, न्याय की गुहार लगा रहा है, आखिर क्यों कोई कार्रवाई क्यों नहीं सुनी जा रही उसकी बात, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल देखिए कि खैर तहसील का ये पूरा मामला है। अलीगढ़ में खैर तहसील जो है
पड़ती है, वहां का ये पूरा मामला है जिसमें एक बुजुर्ग जो है प्रशासन पे सीधे आरोप लगा रहा है कि उसे लगभग 32 वर्ष से पेंशन नहीं मिली है। जी बुजुर्ग की स्थिति जो काफी दयनीय है, पारिवारिक जो स्थिति है वो भी आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है। जब जी बुजुर्ग ने आत्मदाह की जब धमकी दी है तब उसके बाद में प्रशासन चेता है, प्रशासन ने उसे हालांकि आश्वासन दिया लेकिन बुजुर्ग जो है फिलहाल जो है धरने पे बिल्कुल तहसील परिसर में बिल्कुल जमा हुआ है। उसे जो अधिकारी द्वारा जो आश्वासन लगातार दिए जा रहे हैं उस पे उसे बिल्कुल तसल्ली नहीं है और लगातार जो है वो धरना जब ही समाप्त करेगा जब उसका वेतन अधिकारी द्वारा मुहैया करा दिया जाएगा। जी जी बड़ा शर्मनाक लगता है कि आत्मदाह करने की धमकी दी जा रही है, लेकिन इसके बाद भी जो प्रशासन के कानों में जूं रेंगता नजर नहीं आ रहा है कि वेतन नहीं दिया गया है उसको लेकर। एक वृद्ध अड़ा हुआ है ये चौकीदार जिसने सेवा की और इसके बाद भी वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है। आपके पास वापस लौटेंगे, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता बाल मुकुंद ओझा जी भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपके पास आएंगे ओपी सागर जी, पहले तो इस पूरे मामले को देखते हुए आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे कि 32 साल से ये वृद्ध चौकीदार अपने वेतन की मांग कर रहा है और वेतन नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि अभी आपने सुना होगा संवाददाता हमारे कह रहे हैं कि आत्मदाह करने की चेतावनी भी दी है, नौबत यहाँ तक आ गई है। अनम्यूट करिएगा ओपी सागर जी। ओपी सागर जी चलिए, हमारे पास अरविंद के जैन जी हैं, आपके पास आएंगे। अरविंद के जैन जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को देखते हुए। आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी अरविंद जी। देखिए, चौकीदारों के पद लिखा पढ़ी में होते हैं, ऐसा नहीं है। उनको बेल्ट वगैरह इशू होती है, साफा इशू होता है, पेरोल में उनका नाम होता है, ग्राम पंचायत के ऊपर चौकीदार की तैनाती होती है। कुछ पद अगर खाली होते हैं तो एसपी और डीएम मिलकर उनको जो है फिल करते हैं, उनके लिए बाकायदा वेतन आता है। मेरी समझ के बाहर है कि 32 साल से इनको वेतन क्यों नहीं मिल रहा है, ये इस इशू को टेकअप क्यों नहीं किया वहां के SHO ने, CO ने, एडिशनल SP, SSP ने, ये किया जाना चाहिए। जो सही बात है वो पता चल जाए कि ये रोल्स पर हैं भी कि नहीं है। अगर 32 साल से वेतन नहीं मिल रहा है तो बड़ा स्वाभाविक है, स्पष्ट है कि इनका नाम रोल्स पर नहीं होगा, इनका नाम लिस्ट में नहीं होगा। कभी ये रख लिए गए होंगे, इनके घर का कोई रहा होगा, फादर वगैरह रहे होंगे पहले चौकीदार, तो इन्होंने मान लिया, तो इनका लिखा पढ़ी में होना चाहिए था। तो ये क्यों नहीं कराया गया और इस प्रकार से धरने पे बैठा बैठे हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ये भी उचित नहीं है। तुरंत इसको वहां के जिलाधिकारी को, SSP को अटेंड करना चाहिए और इनको स्पष्ट स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि भाई ये चौकीदार हैं कि नहीं है। हैं तो जो वेतन इनको मिलता है, पेंशन नहीं मिलती है चौकीदारों को, वेतन जो मिलता है वो इनको मुहैया कराया जाना चाहिए। ये बहुत से गरीब होते हैं और लाभदायक सूचनाएं देते हैं। मैं कई बार थानों पे गया हूँ बतौर सीनियर ऑफिसर और जिन ग्राम चौकीदारों ने बहुत लाभदायक सूचनाएं उपलब्ध कराई और थानों पे आके दी, उनको सम्मानित भी किया गया। इनके लिए रिवार्ड की एक अलग से ग्रांट होती है विलेज चौकीदार की और इनको सम्मानित किया जाता था। इनके साथ बैठकर हम लोग चाय और नाश्ता करते थे जिससे कि ये महसूस ना करें कि ये छोटे कद के हैं या कोई ऐसी बात है। ऐसी खबरें सामने आई है, लगातार SP की तरफ से भी सम्मानित किया गया है चौकीदारों को और कहा गया है कि आप थाने में समय देकर अपनी अहम भूमिका निभाएं और मदद करें, तो ऐसी भी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। एक दर्शक जुड़े हुए हैं मेरठ से, अरुण आपका स्वागत है, अपनी राय साझा कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद और सबसे पहले आप बधाई के पात्र हैं, पूरा KNews बधाई का पात्र है। डिबेट में जितने भी विषय को जोड़ा जाता है वो प्रदेश के बड़े मुख्य विषय होते हैं जिनका बड़ा जन सरोकार है और जन जन से उनका विशेष रिश्ता है। आज की भी जो आपकी खबर है जिसका विषय है कि चौकीदार, लेकिन आज के समय में बड़ी बड़ी घटनाओं को ओपन करने के लिए पुलिस जो है वो तो सिस्टम लेने
लगातार ले रही है। इसी प्रकार से पहले सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो होती थी चौकीदारों की होती थी, वो आज के बीटीएस की तरह काम करते थे। बहुत गांव में होने वाली बड़ी छोटी से छोटी घटना को वो अपने कोतवाल को दिया करते थे। लेकिन अगर आज के समय में चौकीदारों की वर्तमान स्थिति की बात करें, देखिए प्रतिदिन जगह जगह देख लीजिए, या तो कोई इंस्पेक्टर चौकीदार से चाय मंगवा रहा है, कोई अपनी गाड़ी पर पोछा लगवा रहा है, सफाई करा रहा है, कोई अपने घर काम करा रहा है। बिल्कुल पर्सनल खातिरदारी है। अरुण, आपकी बात से इत्तफाक रखते हैं और इसीलिए के न्यूज ने यह मसला उठाया है और इसको लेकर हम चर्चा करने बैठे हैं। चौकीदार की जो वर्तमान स्थिति है वो बेहद दुखद नजर आ रही है। वो बात अलग है कि सराहा भी जाता है उनके कामों को लेकर, लेकिन सवालिया निशान भी लगता है जिस तरीके से ये अलीगढ़ का मामला सामने आ रहा है, जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमाम वाहिद जी, कांग्रेस नेता, जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। आपका स्वागत है चर्चा में शामिल होने के लिए। आपके पास आएंगे बालमुकुंद जी, अगर देखा जाए इस पूरे मामले को लेकर आपकी प्रतिक्रिया बेहद अहम, और ये जो अलीगढ़ के चौकीदार हैं 32 सालों से लिए अपने वेतन के लिए, अब आत्मदाह की भी चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन जो प्रशासनिक अमला है वो कोई सुनवाई नहीं हो रही वहां पर। अनम्यूट करिएगा बालमुकुंद जी। जी बालमुकुंद जी, साथ ही हमारे साथ ओपी सागर जी भी, जो एक्स आईएएस हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जी बालमुकुंद जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है, म्यूट करिएगा। इस पूरे मामले को लेकर आपकी प्रतिक्रिया। अनम्यूट करिएगा। बालमुकुंद जी अनम्यूट करिएगा। उमेश जैन मेरठ से जुड़ चुके हैं एक दर्शक, दर्शकों की राय क्योंकि बेहद अहम है। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में सरकारी सिस्टम बिल्कुल समाप्त हो गया है। यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है, चौकीदार का वेतन नहीं दिया जा रहा और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। शुक्रिया। हाँ। शुक्रिया उमेश जी राय साझा करने के लिए, और दर्शकों की राय इस मसले पर बेहद अहम हो जाती है। वाकई जो वर्तमान स्थिति है चौकीदारों की वो बेहद ही गंभीर नजर आ रही है, और इसीलिए हम जनहित में इस मसले को लेकर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक से जब वापस आएंगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, जनहित में हम बात कर रहे हैं चौकीदार की जो वर्तमान स्थिति है उसको लेकर। अलीगढ़ का मामला सामने आया है और ये पूरे उत्तर प्रदेश में जो चौकीदार हैं उनकी स्थिति को लेकर भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर 32 साल एक लंबा समय होता है और आखिर क्यों वेतन नहीं दिया गया, और अगर नहीं दिया गया लिस्ट में इस चौकीदार का नाम है या नहीं है, इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल भी की जानी चाहिए, उसके आधार पर कार्रवाई और वेतन मेहनताना चौकीदार को दिया जाना चाहिए। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमाम वाहिद कांग्रेस नेता भी जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बालमुकुंद ओझा जी आपके पास आएंगे, देखा जाए तो चौकीदारों की जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनसे इतर उनमें तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन वेतन नहीं मिल पा रहा है, इस स्थिति पे आपकी प्रतिक्रिया। अनम्यूट करिएगा। चलिए बालमुकुंद जी, शायद आपको मेरी आवाज मिल पा रही है, फोन को अनम्यूट करिएगा। चलिए जी, चलिए आपके पास वापस लौटेंगे। रुक करते हैं अलीगढ़ का, हमारे संवाददाता विश्व प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं। विश्व प्रताप, आपने पूरी स्थिति बताई कि ये आत्मदाह की चेतावनी दी है इस वृद्ध चौकीदार ने, क्या प्रशासनिक कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने नहीं आई? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से जो वृद्ध चौकीदार है, जिस तरीके से वो प्रशासन पे आरोप लगा रहा है कि 32 साल से उसे जो वेतन नहीं मिला है, इसके बावजूद भी लगातार तहसील परिसर में अनशन पे बैठा हुआ है, बावजूद इसके प्रशासनिक तौर पे कोई अधिकारी उसकी सुध लेने नहीं पहुंचा अभी तक,
जी। उसके अलावा उसने सीधे तौर पर आत्महत्या करने की धमकी दी है कि अगर प्रशासन ने मेरी सुनवाई जल्दी नहीं की तो वो तहसील परिसर में ही आग को आग लगा के खुद आत्महत्या कर लेगा। बावजूद इसके कि जो अलीगढ़ प्रशासन है जो जो कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है वो अभी तक नहीं जागा है। इस पूरे मामले को लेकर अभी प्रशासनिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया अधिकारियों की तरफ से नहीं की गई है। जी साथ ही विश्व प्रताप, अगर देखा जाए तो ये एक लंबा समय होता है, 32 साल बहुत, इतनी गैपिंग के बाद इस वृद्ध चौकीदार ने ये मसला उठाया है, इससे पहले क्या अपनी बात को नहीं उठाया, न्याय नहीं मिला या कोई कार्रवाई, कोई इनकी बात का कोई संज्ञान नहीं लिया गया प्रशासनिक स्तर पर, क्या इस वृद्ध चौकीदार से आपने बात करने की कोशिश की? बिल्कुल, देखिए कि चौकीदार का कहना सीधे तौर पे कि लगभग एक लंबे समय से, 32 साल एक बहुत लंबा समय होता है आत्मदाह करने की चेतावनी। शुक्रिया विश्व प्रताप इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। बड़ा दुखद भी लगता है और सवाल ये भी उठता है कि अगर ऐसे बिंदु हैं, अगर लिस्ट में इस व्यक्ति का नाम नहीं है, लेकिन ये सिद्ध कैसे होगा? जब इसको संज्ञान में लिया जाएगा प्रशासनिक स्तर पर, इस पर जांच की जाएगी, इसे जांचा जाएगा, तब सारे बिंदु क्लियर होंगे और तभी ये साफ हो पाएगा कि ये पात्र है या अपात्र है, या ये ऐसे बेवजह इस मसले को उठाया जा रहा है। क्योंकि के न्यूज अगर इस मसले को लेकर चर्चा करने बैठा है तो इसमें कुछ अहम बात, क्योंकि प्रशासनिक ढीला ढवाली भी यहां पर ढीला ढाली भी नजर आ रही है, एक प्रशासनिक गैर जिम्मेदाराना रवैया भी निकलकर सामने आ रहा है। हमारे साथ हमाम वाहिद जी हैं। हमाम वाहिद जी, ये पूरा मामला जो है अलीगढ़ का है, लेकिन पर्टिकुलर हम अलीगढ़ की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में जो चौकीदारों की स्थिति है उसको लेकर हम बात कर रहे हैं। यहां पर 32 साल से इस शख्स को सैलरी नहीं मिली, वेतन नहीं मिला, अब आत्मदाह करने की चेतावनी नौबत यहां तक आ गई है और इसके बावजूद भी जिम्मेदार पूछने तक को तैयार नहीं है। प्रतिक्रिया। 32 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं और उत्तर प्रदेश बदहाल हो, अगर स्थिति बता रहे, कोई भी चाहे वो सरकारी अमला हो, कर्मचारी हो, चौकीदार हो, नौजवान हो, किसान हो, हर व्यक्ति परेशान है और बदहाल। और भाजपा सरकार वो किसी भी व्यक्ति या किसी भी वर्ग समाज की तरफ नहीं है उसकी नजर, वो केवल प्रचारबाजी में और उलूल पुलूल मुद्दे में करने का प्रयास प्रश्नीय है कि देश में अगर चौकीदार सुरक्षित नहीं है या उसको नहीं मिलता तो प्रशासनिक आवाज मिली मैम जी, हमाम जी सुन पा रहे हैं आपको, ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि ये अलीगढ़ का मामला नहीं है, अगर पूरे उत्तर प्रदेश के चौकीदारों की स्थिति का मुआयना करेंगे तो आप यही पाएंगे कि हर व्यक्ति यहाँ इस सरकार में परेशान है और एक चौकीदार को वहाँ का प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, अगर वो कोई बात कर रहा कह रहा है, तहसील में उसने धरना दिया है, सुसाइड करने की बात कह रहे हैं, उसके बाद भी अभी भी वहाँ पे प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई मदद के लिए आगे नहीं आई, ये चिंता का विषय है। सरकार केवल लखनऊ में आयोजन करा के मस्त है, सरकार का जो सरकारी तंत्र है, अधिकारी है, कर्मचारी है, चाहे वो रिश्वत की बात हो, चाहे अपनी जिम्मेदारी, कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, पूरी तरीके से पूरे प्रदेश में बदहाली है। बिल्कुल, जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी से बचते नजर आ रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर क्यों चौकीदारों की ये स्थिति है। हम 26 जनवरी की परेड में शिरकत किए जाने की बात करते हैं कि चौकीदार जो हैं उसमें हिस्सा लेंगे, हम सीएम योगी आदित्यनाथ से इस बात का जिक्र करते हैं कि उनका वेतन बढ़ाया जाना चाहिए, वेतन तो बढ़ाया जाना चाहिए लेकिन वेतन सही टाइम पर भी दिया जाना चाहिए। चर्चा को आगे जारी रखेंगे, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जनहित पर चौकीदारों को स्थिति को लेकर हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक दर्शक चेन्नई से जुड़े हुए हैं प्रेम, उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रेम जी अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्कार मैम जी। नमस्कार मैम, ये बोलता हूँ पीछे 32 साल का तो नहीं, लेकिन जब से जनधन खाते खुले हैं और सीधा डिजिटल होने लगा है तो बीच में किसी की सैलरी गायब होने का भी प्रश्न नहीं उठता। हो सकता है कि खाते में नाम दूसरा हो, नाम दूसरे के नाम से इनकी सैलरी जा रही हो, लेकिन बिंदु यहाँ पर ये है ना प्रेम जी कि इस बात की जांच तो की जानी चाहिए ना, ये तो सिद्ध तभी होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये गलत है, लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि प्रशासनिक हीला हवाली जो बरती जा रही है। शुक्रिया राय साझा करने के लिए, क्योंकि दर्शकों की राय हमारे लिए बेहद अहम होती है। हमारे साथ शमीम
सुल्तानी जी, सपा नेता भी शामिल हो गए हैं इस चर्चा में, आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपके पास आएंगे ओपी सागर जी। देखा जाए तो जो वर्तमान स्थिति चौकीदारों की नजर आ रही है, इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं, सरकार को या सिस्टम को? अनम्यूट करिएगा ओपी सागर जी। अनम्यूट कर दिया मैंने जी। मैं ये कह रहा हूँ ना, ये सिस्टम ही फॉल्टी है। पहले तो चौकीदारों की तनख्वाह ही बहुत कम होती है, चौकीदारों को जो है उसकी हाजिरी वेरिफिकेशन थाने से होता है, थाने से वेरिफिकेशन होने के बाद उनका जो सैलरी का रोल बनता है फर्स्ट रोल टाइप का, फिर वो जो है सब जाता है अकाउंट में, उसमें कोई भी नाम छूट गया सर, अगली बार मालूम हुआ उसी मास्टर रोल से बनाते रह गए, और वो जिसका नतीजा ये होगा एक नाम छूटता रहेगा, बाल जैसा जो है जी बनता रहेगा। तो मैं ये अब तो खैर पहले भी ज्यादा हो गई है चौकीदार की, लेकिन इसके बावजूद उनकी दशा में कोई ज्यादा सुधार नहीं हुआ है, इसलिए मैं समझता हूँ कि सिस्टम की ही खराबी है शासन की तरफ से, इसमें हम शासन को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। चलिए, तो सिस्टम कुल मिलाकर दोषी है। ओपी सागर जी, आपकी आवाज ठीक से हम तक पहुंच नहीं पा रही है, शायद दर्शकों को भी क्लियर नहीं हो पा रहा होगा। हमारे साथ शमीम सुल्तानी जी भी जुड़ चुके हैं। शमीम जी, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए 32 साल से चौकीदार का जो वेतन है वो नहीं मिला है, इसको लेकर ये बैठे हुए हैं, लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अमला है वो कोताही बरत रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब आत्मदाह की चेतावनी दी है इस वृद्ध चौकीदार ने, इस पर प्रतिक्रिया आपकी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने मुझे अपने चैनल पर इस डिबेट में मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूं कि सरकार का जो काम करने का नजरिया है, उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास, और थानों के जो चौकीदार होते हैं मैं समझता हूँ वो सबसे निचले पायदान का कर्मचारी होता है जी। और मुल्क की आज़ादी से बाद सन 1952 में पहला चुनाव हुआ, और चौकीदार थानों में बहुत पहले से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अभी जैसा कि हमारे एक साथी पैनलिस्ट ने कहा कि ये सिस्टम की कमी है, बल्कि सिस्टम की नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि सरकार की बहुत बड़ी कमी है। सरकार को पैनी निगाह रखना चाहिए, जिस तरीके से आज आप देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था तो एकदम है ही नहीं, बिलडोजर की नीति चल रही है जी। तो सबका साथ सबका विकास में हमारे जो चौकीदार, एक वृद्ध चौकीदार ने जो है आत्मदाह की धमकी दी है तो किसी वजह से ही दी होगी, उसके अपने परिवार के पालन पोषण के लिए वर्तमान में जो उनकी उनका जो वेतन है वो पर्याप्त नहीं है, तो परिवार का अपने पालन पोषण वो व्यक्ति कैसे करे, जब चौकीदार थानों में झाड़ू लगाएंगे, जो उनकी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को उनको करने नहीं दिया जा रहा। इसी तरीके से आपने देखा होगा जो हमारे थानों में होमगार्ड हैं, होमगार्डों की ड्यूटी एक एक अधिकारी के बंगलों पर, उनके घरों पर, एसओचओ के एसओ के घरों पर उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है, जहां उनकी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को निर्वहन करने नहीं दिया जाता। खासतौर से अगर मैं बरेली शहर की बात करूँ तो बरेली शहर के अंदर आज पूरा शहर खुदा हुआ है, जगह जगह जैम में लोग फंस जाते हैं। अगर इनकी होमगार्ड की खासतौर से अगर मैं बात करूं तो इनको अगर चौराहों पर लगा दिया जाए तो आज जो हमारी जनता जैम की वजह से परेशान है, तमाम हमारे नेशनल हाईवे से यहाँ दिल्ली के लिए भी बहुत से गंभीर मरीज जाते हैं, तमाम जगह जाते हैं, वो लोग फंस जाते हैं। कई बार तो ऐसा हुआ कि रास्तों में लोगों ने दम तोड़ दिया, जाम में फंसे फंसे कई हमारी बहने, हमारी माताएं वो भी परेशान होती हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं जाम में फंस जाती हैं, उनको हॉस्पिटल जाना होता है। तो इस पर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। आज जो भी निर्माणाधीन काम बरेली महानगर के अंदर है, पिछले कई कई महीनों से सालों से रोड खोद के रख दिए हैं। चलिए, एक दर्शक परेशान हो रहे हैं, एक दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ शमीम जी, पहले उनकी राय साझा कर लेते हैं। गिरीश जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। चैनल इस समय देख रहा हूँ, ये बुजुर्ग बैठे हुए दिखाई दे रहे, यही चौकीदार हैं क्या? जी जी, देश का इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है जी? कि एक सरकारी कर्मचारी चाहे वो चपरासी हो चौकीदार हो, उसको बैठने तक का स्टूल और बेंच तक नहीं दिया गया है। लानत है ऐसी सरकार पर।
और मैं तुरंत योगी साहब से ये गुजारिश करता हूँ, इस प्रकार का व्यवहार किसी कर्मचारी के साथ, चाहे थानेदार हो, चाहे एचपी हो, चाहे डीएम हो, करने का अधिकार किसी को नहीं है। इनको जेल भेजें जिन्होंने बुजुर्ग को जमीन पर बैठाला हुआ है। दूसरी बात, सरकार एलआईजी स्टाफ के साथ इनको अटैच करे, जो खुफिया तंत्र है उसके साथ चौकीदारों को अटेंड करे, वहां इनकी हाजिरी होगी और ये वहां पर जो है सैलरी पाएंगे और सूचनाओं में सहयोग करेंगे सरकार का। इस तरह का व्यवहार थानों में इंसान के साथ में जमीन में बैठा रखा उसको, इसके बावजूद भी गिरीश जी आपकी नाराजगी से इत्तफाक है मुझे, लेकिन इसके बावजूद भी सवाल ये है कि जो प्रशासनिक अमला है उसके कानों में जू रेंगता नजर नहीं आ रहा है। बैठना ठीक बात है, वो अपने न्याय को लेकर, अपनी बात को लेकर, अपनी मांग को लेकर अड़ा हुआ है, आत्मदाह करने तक की चेतावनी दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी सरकारी तंत्र का कोई भी अधिकारी, कोई भी प्रशासनिक व्यक्ति उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। अगर बात सुन ली जाए तो भी ये बैठना इस तरीके से सिद्ध हो जाएगा। हमारे साथ लगातार जो खास मेहमान हैं कांग्रेस से, हमाम वाहिद जी बने हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता बाल मुकुंद जी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ पा रही है, स्थिति बेहद ही गंभीर है, इस स्थिति से कैसे निपटा जाएगा? हम वेतन बढ़ाए जाने को लेकर मांग करते हैं, हम बात करते हैं उनके बेहतरीकरण को लेकर, लेकिन चौकीदारों की जो वर्तमान स्थिति है उससे आप वाकिफ होंगे कि किस तरीके से थाने में बुलाकर पर्सनल खातिरदारी भी कराई जाती है, क्या यही जिम्मेदारी है एक चौकीदार की? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत महत्वपूर्ण सूचना तंत्र का जो है सहायक माना जाता रहा चौकीदारों को जी। और ब्रिटिश पीरियड के बाद से जब से आजाद भारत में हम लोगों ने देखा है कि पुलिस तंत्र से भी मजबूत चौकीदार को ही पता था गांव में शहर में कौन रहता, और चौकीदारी प्रथा दो जगह लागू थी, बिल्कुल शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्रों में चूंकि सिक्योरिटी एजेंसी ने उनकी जगह ले लिया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी चौकीदार विद्यमान है। लेकिन आज आपके एक बधाई जरूर दूंगा के न्यूज और जनहित कार्यक्रम के माध्यम से, आपके माध्यम से इनको न्याय जरूर मिलेगा। और उसके पहले हमारे प्रमुख दो वक्ताओं ने जो अपने वक्तव्य दिए थे, विनम्रता पूर्वक मैं उनसे निवेदन करूंगा कि चौकीदार की उम्र 72 वर्ष है, 60 के वर्ष में वो रिटायर हुए थे, 32 वर्षों से वेतन नहीं मिला, पिछले 22 वर्षों की सरकारों ने उनको वेतन नहीं दिया है। इसलिए थोड़ा सा बोलने से पहले, आग उगलने से पहले उसका निष्कर्ष निकालिए, उसके पक्ष में बोलिए, जो वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ है धरने पर उसके उसको न्याय दिलाने का प्रयास करिए, आग मत उगलिए। हर बार सरकार को कोसने, अच्छा आपने अपनी सरकार को कोसा, मैं आपसे सहमत दोनों लोगों से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि न्यूज के माध्यम से इस व्यक्ति को न्याय मिलेगा। और ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, पूरा राष्ट्र, पूरा देश, पूरा संसार इसको देखता है, सैकड़ों देश देखते हैं, और उस व्यक्ति को न्याय मिले। अभी आईजी साहब जो हमारे पूर्व आईजी थे जैन साहब ने बहुत बढ़िया बताया कि हो सकता है कुछ मिसिंग हो गई हो, उन्होंने जिक्र किया था कि हो सकता है इनका नाम लिस्ट में ना हो, या नाम हो भी तो दूसरे नाम से हो, लेकिन ये तो जांच का विषय है ना, जांच की जानी चाहिए इस मसले को लेकर, इसे संज्ञान में लेना चाहिए, फिर क्यों कोताही बरती जा रही है। एक दर्शक जुड़े हुए हैं, पहले उनकी राय साझा कर लेते हैं। कुरुक्षेत्र से चंद्र प्रकाश जी अपनी राय साझा कर सकते हैं, स्वागत है आपका। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति को आप दिखा रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में पूरी सरकार को चाहिए जांच करनी चाहिए, जांच करने के बाद उस व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। और 32 साल से एक व्यक्ति वेतन के लिए परेशान हो रहा है, ये हमारे राष्ट्र में एक शर्म की बात है। परंतु इसके साथ साथ मैं कई बार कह चुका हूँ और आज फिर कह रहा हूँ कि ये के न्यूज पे ये बंदा आ गया है, इस बंदे को 100% न्याय मिलेगा। के न्यूज एक ऐसा चैनल मैंने देखा है जो 173 राष्ट्रों में जिसका प्रसारण होता है, और इस मुद्दे का निपटारा आधे घंटे के अंदर अंदर हो जाता है। ये मैंने एक नहीं 20 केस देखे हैं इस चैनल की सबसे बड़ी। जी शुक्रिया राय साझा करने के लिए। के न्यूज अहम जिम्मेदारी के साथ आम जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को इसलिए उठाता है कि उसे न्याय मिल सके, प्रशासनिक आला अधिकारियों तक एक आम जनता की आवाज को पहुंचाने की एक कवायद है। के न्यूज लगातार इसे इस बात को लेकर प्रयासरत है और इसीलिए इस मुद्दे को के न्यूज में उठाया है। हमारे साथ हमाम वाहिद जी जुड़े हुए हैं। हमाम जी, देखा जाए इस पूरी स्थिति को लेकर अगर हम बात करें, चौकीदारों को एसपी जो है वो सम्मानित करते हैं,
हाँ, और देखा जाए थाने में समय देकर वो अपील भी करते हैं इस बात की कि थाने में आप अपना समय देकर जो गंभीर मसले हैं या अपने समय देकर उसकी महत्व को बढ़ाइए या फिर जो घटनाएं हैं उन बात से उन्हें एक साझेदारी एक भागीदारी की अपील होती है। और स्थिति पर कौन ध्यान देगा कि चौकीदार की एक स्थिति, उसे बुनियादी सुविधाएं क्या मिलनी चाहिए, इस पर कौन बात करेगा? जनता पार्टी का राज है, ये अच्छे दिन का राज है और इसमें सिर्फ फोटो सेशन होता है, प्रचारबाजी होती है। धारातल पे जब आप देखेंगे तो उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय होती है, जिसकी ये लोग मार्केटिंग करते हैं, जिसको फोटो दिखा के ये दिखाते हैं कि इनको घर दिया गया था। जब धारातल पे गया आदमी, पत्रकार महोदय गए तो पता चला कि उसको घर ही नहीं मिला। तो ये भारतीय जनता पार्टी है जो आंकड़े में फ्रेप करती है, दिन पाँच करती है और आंकड़े बाजी करके ये केवल प्रचार करती है। इनका नारा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ अपना विकास। असलियत ये है कि सबका साथ अपना विकास और सबका विश्वास, सबके साथ विश्वासघात। इन्होंने नौजवानों के साथ विश्वासघात किया नौकरी के नाम पे, किसानों की आय दुगना करने की बात कही उसके साथ विश्वासघात किया। हम तो आपके चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने चौकीदार की आवाज को उठाने का काम किया है। हो सकता है कि आपकी इस चैनल के माध्यम से अधिकारियों के कान खड़े हों और उस पर कार्रवाई हो और उसको न्याय मिले, वरना भाजपा सरकार में न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। भाजपा सरकार लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं रखती, लोकतंत्र को गला घोटने का काम केवल भाजपा करती है। नौजवान अधिकार मांगे, किसान अधिकार मांगे, उसको कुचलने का काम करती है। अभी कल आपने देखा विधानसभा में किस तरीके से, जहाँ पे लोकतंत्र के माध्यम से विधि बनाई जाती हो वहाँ पे लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है पत्रकार महोदय को किस तरीके से धक्का मुक्त। हालांकि उस मसले पर हम बात करेंगे तो मुद्दा डिरेल हो जाएगा। अगर बात करेंगे, कल की भी तस्वीरें हम के न्यूज ने दिखाई भी थी दर्शकों को, किस तरीके से मीडिया कर्मियों के साथ अभद्रता और धक्का मुक्की की गई थी, उन तस्वीरों को भी साझा किया था दर्शकों के साथ। लेकिन वो मुद्दा इतर है, हम इस मुद्दे पर रहें, इसी मुद्दे पर चर्चा करें और जो चौकीदार हैं उनकी स्थिति को लेकर चर्चा करें तो बेहतर रहेगा। उनकी बुनियादी स्थिति, वर्तमान स्थिति को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, यही मेरा मानना है कि सरकार से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन आपने अगर चौकीदार को मुद्दा को उठाया है तो कांग्रेस पार्टी उसको और मजबूती से उठाएगी और एक एक चौकीदार को न्याय देगी, क्योंकि ये केवल अलीगढ़ का मामला नहीं है, इसकी हर जगह दयनीय है कि किस तरीके से आला अधिकारी चौकीदारों का गलत इस्तेमाल करते हैं और जो जिम्मेदारी उनको दी गई है और उस जिम्मेदारी को ना करते हुए केवल अपने अपने कमरे की या अपने घर की सफाई में लगाते हैं, तो ये स्थिति पूरे प्रदेश बनी हुई है। भाजपा सरकार केवल जश्न मनाने में मस्त है, कांग्रेस पार्टी जनहित के मुद्दे को उठाने का काम करती है। बिल्कुल शमीम जी, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए तो चौकीदार के वेतन को लेकर, चौकीदार को टोपी देने से लेकर, साइकिल देने से लेकर, डंडा देने से लेकर, तमाम ऐसी बातों का जिक्र निकलकर सामने आया। 2500 रुपये वेतन रहा, उसको बढ़ाए जाने का भी जिक्र हुआ। हालांकि चौकीदारों ने प्रदर्शन भी किया कि वेतन बढ़ाया जाना चाहिए और कहा भी गया कि 9000 से 10000 तक वेतन बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन स्थिति जो है वो बद से बदतर होती नजर आ रही है। जी, सबसे पहले तो हमारे अभी एक साथी पैनलिस्ट कर रहे थे जी कि जो पूर्व की सरकारें रही उन्होंने भी इस पर ध्यान नहीं दिया, तो मैं उन साथी पैनलिस्ट को बड़े सम्मान पूर्वक बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश और देश में, खास तौर से उत्तर प्रदेश में पहले तो और कम हुआ करती थी, जो सैलरी है चौकीदारों की वो और भी कम हुआ करती थी। जी जी, पुलिस की सफलता जन सहयोग पर निर्भर करती है, ये सब लोग जानते हैं। चौकीदार पुलिस परिवार का सबसे अहम हिस्सा होता है, बिल्कुल, चाहे ग्रामीण क्षेत्र का चौकीदार हो चाहे शहरी क्षेत्र का हो। ग्रामीण क्षेत्रों में, गांवों में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या एक्टिविटीज है, उन सारी एक्टिविटीज पर हमारे चौकीदार जो सम्मानित है वही ध्यान रखते हैं और शासन थानों में जाकर उसकी सूचना देते हैं। बिल्कुल, तो सूचना का एक अहम तंत्र होता है चौकीदार, और ये प्रकरण तो बहुत गंभीर है। मैं एक बार पुनः आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने हमारे प्रदेश के एक वृद्ध चौकीदार का जो प्रकरण उठाया है, आप बधाई के पात्र हैं।
तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से, एक तो इस प्रकरण को प्राथमिकता के आधार पर हमारे जो ये परेशान है चौकीदार, इस प्रकरण को निपटाया जाए, इनकी तनख्वाह दिलाई जाए, और साथ ही साथ पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारे चौकीदार साथी हैं इनका जो है वेतन बढ़ाया जाए, जिसकी वजह से ये अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। आपने देखा होगा वेतन जब जब ग्रामीण क्षेत्रों से पहले जरूरी है शमीम जी कि इनका वेतन जो बकाया है वो दे दिया जाए, तब तो हम बढ़ाए जाने की बात तो हम बाद में करेंगे, बढ़ा हुआ वेतन क्या मिलेगा जब वर्तमान का वेतन इन्हें नहीं मिल पा रहा है। एक दर्शक है, उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद लौटेंगे चर्चा में। राम जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका राम, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मेरा नाम राम कुमार निषाद है, राव नहीं है, पहली चीज जी। हाँ जी, ये कहना चाहिए हमारे सपा के जो है वरिष्ठ नेता और जो भी मतलब हमारे वरिष्ठ जो है कार्यकर्ता इनके बैठे हुए हैं, मेरी उम्र 60 साल की है जी। मैंने इनके कार्यकाल देखे, मुलायम देखे, अखिलेश जी के देखे जी। इनके यहाँ क्या करते थे, फर्जी आईडी लगा के लोगों को नौकरियां मिलती थी, लंगड़े होते तो भी यादव हो जाते थे, समझे, अंदर जो है मतलब बीमार होते थे, टीवी होती थी फिर भी हो जाते थे। और ये आज मतलब जरा अच्छी बात कर रहे हैं, निषादों के लिए इन्होंने क्या किया है, मैं जाता मल्ला हूँ, मैं कह रहा हूँ। अच्छी बात है राम जी, अच्छी बात है, आप अपने जो पूर्व में सरकारें रहीं उनके प्रति आप अपनी राय अपनी बात को रख रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर मसला कुछ दूसरा है, क्योंकि के न्यूज़ व्यक्तिगत किसी पार्टी विशेष को लेकर बात नहीं करती, वो जनहित से जुड़े मसले को लेकर बात करती है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।